हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल किशोर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास के एसएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी आप लोगों को देखिए राष्ट्रवाद, परिवारवाद, समाजवाद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसके परिभाषा पूछे जाएंगे, तो इस पर मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बनाया मैंने ये आप लोगों के लिए, तो इसे आप लोग पूरा देखें ताकि आप लोग सारे का जवाब आसानी से दे सकें। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग देखिए राष्ट्रवाद की। ठीक है, जैसा आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है वो सबसे पहले फ्रांस से शुरू हुई थी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई राष्ट्रवाद होता क्या है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रवाद जो है वो किसी भी भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक व्याप्त भावना है। ठीक है, देखिए हम जैसे हम लोग बिहार से हैं, यदि हम लोग बिहार की किसी भी जगह से, ठीक है, हों, अगर हम दिल्ली काम कर रहे हैं और अगर हमारे साथ कुछ घटना हो जाए, ठीक है, यदि हमें कोई बिहार का आदमी मिल जाए और हमें अपना परिचय हम उसे बिहार का दें तो क्या है, तुरंत हमारा मदद करेगा। या हम अमेरिका चले गए मान लीजिए, ठीक है, तो अमेरिका में यदि कोई इंडियन मिलता है तो उससे हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वह हमारे देश का है। ठीक है, हम एक भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच से हैं। ठीक है, अर्थात हमारा जो कल्चर है वो इंडियन कल्चर है, तो हम लोगों का कल्चर सेम आएगा, इसलिए हम लोगों के बीच क्या होगी, एक प्रेम की भावना उत्पन्न होगी और हम लोग क्या है एक एक परिवार की तरह वहाँ पर क्या होंगे, नजर आएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसको ही हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक, अर्थात वैसी सोच जिसमें सिर्फ अपने राष्ट्र का हित निहित हो। ठीक है, अपने राष्ट्र के बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक है, और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना है, तो उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, हम यहां पर देखिए किसी भी जगह के हों, ठीक है, यदि हम बिहार से हों, ठीक है, हम अगर राजस्थान काम करने चले गए, यहां पर बिहार के कई क्षेत्रों से कई लोग गए हुए हैं, अगर हम लोग सब वहां मिल जाए और हम लोग अपना परिचय दें कि भैया आप कहां से हैं, तो भाई बिहार से हैं, ठीक है, तो सब लोग एक साथ बैठेगा, ठीक है, अपना कल्चर अपनी भाषा में, ठीक है, अपना त्यौहार आएगा, त्यौहार अपने अपना एक साथ मनाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि एक भौगोलिक क्षेत्र से क्या करता है, लोग विलोम करता है, इनकी संस्कृति, इनका परिवेश, इनका रहन सहन, खान पीन, ठीक है, अगर आप चार को बिहारी एक साथ बैठ जाते हैं, ठीक है, अगर खान पान की बात करें तो हमारे बिहार में जो है लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा पसंद है करता है लोग। ठीक है, तो चलो भैया आज खाना नहीं बनेगा, लिट्टी चोखा बनेगा। ठीक है, लिट्टी चोखा बैठ के लोग कहले बनाने लगेगा एक के संग, क्यों, क्योंकि वह एक ही, मैंने बोली दिया, एक भौगोलिक क्षेत्र से है, उनका खाना, ठीक है, रहन सहन, उनकी बोली, सब मिल खाता है, क्योंकि वहां पर तो दूसरा मिलेगा नहीं, इसलिए वो लोग क्या है एक जगह आकर बैठ जाते हैं, अपनी भाषा में लोग बात भी करते हैं, अपनी, ठीक है, त्यौहारों को एक साथ लोग मिलकर मनाते भी हैं। इसी प्रकार अगर हम भारत के किसी भी कोने से, हम विदेश किसी भी देश में रह रहे हैं, अगर हमारे साथ, ठीक है, कई इंडियन मिल गए तो हम लोग सबसे पहले कि भाई आप कहाँ से हैं, तो भाई हम बिहार से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम झारखंड से हैं। ठीक है, तो बस सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे भैया कि हम लोग भारतीय हैं, ठीक है, और एक साथ मिलकर रहेंगे हम लोग। ठीक, तो ये क्या है, तो राष्ट्रवाद है। तो आज के बाद आप याद रखिएगा कि राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एक व्याप्त भावना है जो उनमें प्रेम एकता की भावना क्या करता है, उत्पन्न करता है। ठीक है, और इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि राष्ट्रवाद अर्थात वैसी सोच जिसमें सिर्फ अपने राष्ट्र का हित क्या हो, निहित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद। ठीक है, तो और राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप लोग याद रखिएगा कि यह राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है वो फ्रांस से हुई थी। कहाँ से हुई थी, फ्रांस से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए भाई, ये तो क्लियर हो गया परिवार। ठीक है, परिवारवाद क्या है, जैसे हमारे राजनीति पार्टियों में परिवारवाद की भावना ज़्यादा देखी जाती है, जैसे बिहार में तो खासकर, जैसे यदि कोई नेता किसी क्षेत्र से जीता है, यदि किसी कारणवश वह क्या करता है, अपना त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जिस क्षेत्र से उसने चुनाव लड़ा था या जिस पद पर वो अभी था और उसकी मृत्यु हो गई, तो उस स्थान पर क्या किया जाता है,
उसी के परिवार के सदस्यों को या उसके रिश्तेदारों को क्या कर दिया जाता है, टिकट दे दिया जाता है या उसके स्थान पर क्या कर दिया जाता है, उसकी उस कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, परिवारवाद कहते हैं। अतः वैसी सोच जिसमें सिर्फ अपने परिवार का हित निहित हो उसे हम परिवारवाद कहते हैं। एक लाइन में अगर जवाब देना चाहें तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो परिवारवाद जो है राजनीति के हिसाब से ये बहुत खराब है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि केवल एक ही परिवार में जो है, ठीक है, सिर्फ राज सिर्फ नेता हो सकते हैं, वही लोग देश और दुनिया चला सकते हैं। लेकिन अगर उसी परिवार का लगातार सदस्य बन रहा है, इसका मतलब क्या, ये तो राजतंत्र ही हो गया ना, ये राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ये गलत है, लोकतंत्र के हिसाब से एकदम गलत, ठीक है। हाँ, अब बात आई कि भाई हम साधारण अगर परिवारवाद की बात करें तो हम अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं केवल, ठीक है। जैसे पिताजी हैं भाई, अपने घर के बारे में सोच रहे हैं, अपने, ठीक है, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि वो भाई अपने पड़ोस के बारे में सोचेंगे, सबसे पहले तो क्या है, वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए, परिवारवाद जो है, ये सोच जो होती है वो अच्छी भी होती है और क्या होती है, कुछ खराब भी होती है। तो यहाँ पर सोच जो है, यदि आपका जो सारा का सारा सोच अपने परिवार के प्रति है, ठीक है, तो ऐसे सोच को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, जिसमें परिवार का हित निहित हो, तो वैसी सोच को क्या कह सकते हैं हम लोग, परिवारवाद। तो सीधे देखिए, इसका परिभाषा अगर देना है राष्ट्रवाद को, क्या बोलोगे, वैसी सोच जिसमें सिर्फ अपने राष्ट्र के, राष्ट्र का हित क्या हो, निहित हो, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। परिवारवाद, वैसी सोच जिसमें सिर्फ अपने परिवार का हित निहित हो, उसे हम क्या कहेंगे, परिवारवाद कहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि परिवारवाद कैसे दे सकते हैं। अब राजनीति अगर सिविक्स से आता है तो सिविक्स के हिसाब से दे सकते हैं, नहीं तो साधारण ऐसे भी आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। उसी तरह से देखिए समाजवाद। समाजवाद क्या है, वैसी सोच जिसमें सिर्फ समाज के बारे में सोचा जाए, समाज के बारे में, समाज के लिए कार्य किया जाए, ठीक है, उसे हम समाजवाद कहते हैं। जैसे, ठीक है, यदि अगर हम बात करें, जैसे साम्राज्यवाद था, समाजवाद, ठीक है, यूरोप में, रूस में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, सिर्फ जिसमें सिर्फ समाज के बारे में सोचा जा रहा, समाज के लिए किया जा रहा था। जैसे चाइना में हम लोगों का सिर्फ समाज के विकास देखा जाता है, ठीक है। तो वैसी सोच जिसमें सिर्फ समाज का हित निहित हो, समाज के बारे में सोचा जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो समाजवाद कहते हैं। इसकी भी परिभाषा आप लोग, लगता है कि आसानी से दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने देखिए, आपने यहाँ पढ़ लिया क्या, कि परिवारवाद हो गया, ठीक है, समाजवाद हो गया। अब बात करते हैं जातिवाद, ये भी क्लियर है भाई। वैसी सोच जिसमें सिर्फ अपनी जाति का हित निहित हो, उसे हम लोग जातिवाद कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, हमारे जब भी चुनाव होते हैं, तो यदि हमारी जाति का ही अगर कोई नेता खड़ा हो, तो हमारे जाति समूह के लोग क्या होते हैं, ठीक है, एक तरफा उसको वोट देने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वो मेरी जाति का है, उसका सोच है, ठीक है, कि वह कार्य जो करेगा वो हमारे लिए अच्छा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये राजनीति के क्षेत्र में ऐसी सोच जो है वो गलत है, ठीक है। वो एक अच्छा, ठीक है, नेता होना चाहिए, वो पूरे समाज का कल्याण करे, पूरे समाज के बारे में सोचे, वैसा नेता होना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो जाति के हिसाब से अगर वो कार्य कर रहा है तो एकदम एक वो नेता जो है वो हमारे लिए गलत है, ठीक है। और हमारी सोच भी गलत है कि भाई वो मेरी जाति का है तो हम उसी जाति को क्या करेंगे, अपना वोट देंगे, क्योंकि वो हमारी जाति से बिलोंग करता है, ये गलत है, ठीक है। हाँ, परिभाषा देना चाहें तो परिभाषा आसानी से दे सकते हैं। वैसी सोच जिसमें सिर्फ अपनी जाति का हित निहित हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो जातिवाद कहेंगे। क्लियर, ठीक है। इसमें भी आता है क्वेश्चन कि बताइए, राजनीति के, राजनीतिक क्षेत्र में या लोकतंत्र में जातिवाद अच्छा है या खराब है, तो ये तो आप लोग आसानी से आप लोग दे सकते हैं। धर्मवाद है, तो धर्मवाद सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचा जाए, ठीक है, सिर्फ अपने धर्म के प्रति सांप्रदायिक भावना फैला रहे हैं, सिर्फ अपने धर्म को सही कर रहे हैं, ठीक है, अपने धर्म को ऊंचा बता रहे हैं। आपने पढ़ा है कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, अर्थात वैसी सोच जिसमें सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचा जाए, ठीक है, और अपने धर्म को क्या है, दूसरे धर्म से ऊंचा बताया जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं, ठीक है। और सांप्रदायिकता जो है वो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी अभिशाप है, बहुत ज्यादा क्या करता है लोकतंत्र में, ये देश के विकास में अवरोध पैदा करता है। इसीलिए सांप्रदायिकता, ठीक है, हमें नहीं रखना चाहिए, सभी धर्म को एक जैसा देखना चाहिए, ठीक है। तो धर्मवाद क्या है भैया, तो वैसी सोच जिसमें सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचा जाए, ठीक है, जिसमें सिर्फ अपने धर्म का,
धर्म का हित निहित हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, धर्मवाद कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार है भाई आपका पूंजीवाद, ये भी क्लियर हो गया। अब है क्या पूंजीवाद, क्या है पूंजीवाद, वैसी सोच जिसमें सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचा जाए। ठीक है, जैसे हम लोग के देश में आज बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे मोदी जी सरकार जो है, ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको लोग कहता है कि भैया वो पूंजीपतियों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। ठीक है, अर्थात उनकी जो सोच है वो पूंजीवादी सोच है। ठीक है, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जो उद्योगपति लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं, उनका विकास करते हैं। ठीक है, और गरीब के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, वो अपना अपना मत है। ठीक है, तो जो व्यक्ति या हमारी सोच जब सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में क्या हो सोचे, और पूंजीपतियों का उस कार्य में, ठीक है, कोई कार्य है, कोई चीज़ योजना है, उसमें पूंजीपतियों का जो है हित निहित है, इसका मतलब वो कैसा सोचे भाई, तो पूंजीवादी सोच है। कैसी सोच है, पूंजीवादी सोच है, सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से देखिए इसमें से कोई भी रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं शुरू से लेकर ऊपर तक एक बार बता देता हूँ, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रवाद, वैसी सोच जिसमें सिर्फ अपने राष्ट्र के प्रति सोचा जाए, राष्ट्र का हित निहित हो जिसमें, वैसी सोच को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच होता है तो सिर्फ हम लोग इंडिया इंडिया इंडिया, भले हार भी रही है तो भी हम लोग क्या करते हैं, एक जोश पैदा करते हैं, क्योंकि हम इंडिया से हैं। ठीक है, अपने सिर्फ इंडिया के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है हमारे अंदर, राष्ट्रीय भावना है, नेशनलिज्म। ठीक, परिवारवाद, वैसी सोच जिसमें सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ पर मेरे क्लास है, मेरे भाई यहाँ बैठ जाए तो मैं सिर्फ अपने घर, अर्थात घर का सदस्य है मेरे, मैं सिर्फ उसी को सोच रहा हूँ, मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो रेगुलर ट्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ उसके बारे में सोच रहा हूँ, इसके मतलब मेरी सोच कैसी है, परिवारवाद। ठीक है, इसमें आप ये भी कह सकते हैं जातिवाद, मैं जिस जाति से हूँ मैं सिर्फ उसी जाति के बच्चों को मैं ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, तो बच्चे बाहर जाके क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कह सकते हैं दादा, कि सर बड़ी जातिवाद करते हैं। जातिवाद करते हैं मतलब सर की जो सोच है वो क्या है, सिर्फ अपने जातियों के हित के लिए है, हम लोग पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो आसानी से आप लोग इसको बता सकते हैं। ठीक, उसी तरह से धर्मवाद हो गया, यदि भिन्न भिन्न धर्म के लोग अगर बैठे हैं और मैं सिर्फ एक विशेष धर्म को ध्यान दूं और एक विशेष धर्म के लोग, मतलब अपनी मैं जिस धर्म से हूं मैं उसी धर्म के बच्चों पर ज्यादा ध्यान देता हूं, इसका मतलब क्या है, मैं धर्मवाद की सोच रखता हूं। ठीक है, वही बात होगी पूंजीवाद, मैं खूब अमीर हूं, ठीक है, मेरे घर में मेरे क्लास में कोई गरीब का बच्चा आता है मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूं, इसका मतलब क्या कि मैं पूंजीवादी सोच है मेरी, मैं सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोच रहा हूं, पूंजीपति जो बच्चे हैं उनके बारे में सोच रहा हूं, वो कैसे आगे बढ़ाया जाए, गरीब के बच्चे के बारे में तो सोचा नहीं मैंने, इसका मतलब मेरी सोच यह है वो कैसी है, पूंजीवादी। धर्म के बारे में अपने सिर्फ अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म के बच्चों के लोगों के बारे में सोच रहा हूं, क्या है, धर्मवादी सोच है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, जातिवाद है, अपने जाति के बारे में सोच रहे हैं तो जातिवाद हो गया। ठीक है, अगर लिंगवाद भी बात कहें तो सिर्फ अपने, हम पुरुष हैं तो सिर्फ पुरुष के बारे में सोच रहे हैं, महिलाओं के बारे में सोचे नहीं रहे हैं, तो सब कहा कहेगी लड़कियां लोग कि सर जी तो सिर्फ लड़का पर ध्यान देते हैं, अतः सर क्या करते हैं, लिंगवाद करते हैं। ठीक है, उनकी सोच जो है सिर्फ लिंगवादी है। ठीक है, ऐसा शब्द अगर आपको कोई भी मिल जाए तो आप लोग आसानी से, ठीक है, इसकी परिभाषाएं दे सकते हैं और दो नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।